हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। तो आज है संडे, फाइनली मुझे टाइम मिल जाता है संडे के दिन। तो एक संडे होता है जिस पे मैं ब्लॉग बना लेता हूँ, तो आज मुझे टाइम मिल गया। तो मैं सोच रहा था कि सुबह के टाइम मैं ब्लॉग बना लूँ, पर बारिश सुबह से ही लग पड़ी थी, तो इसी वजह से मैं सुबह ब्लॉग बना नहीं पाया। तो अभी मैं सोच रहा था कि अभी बारिश हुई है और धूप भी निकली है, तो मैं कहीं जाता हूँ और ब्लॉग बना लेता हूँ। तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहीं जाऊँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, तो उस दोस्त से आप कभी नहीं मिले होंगे, तो आज बताऊँगा मैं। तो अभी डिसाइड नहीं किया, तो मिलते उसके साथ फिर डिसाइड करते कि कहाँ जाना है। तो अभी धूप निकली हुई है, तो व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आसमान पूरा नीला हो चुका है और कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ कितना अच्छा व्यू दिख रहा है धूप में। तो आप देख सकते हैं कितना अल्टीमेट व्यू है। मौसम सुहाना हो चुका है और आपने जैसा देखा कि क्लियर हो चुका है आसमान, तो अभी बादल भी हट गए हैं। तो चलते हैं, दोस्त को उठाते हैं बाइक में और फिर चलते हैं घूमने कहीं ब्लॉग बनाने के लिए। तो गाइस, अभी मैं पहुंच गया हूँ दोस्त के पास। तो ये रहा हमारा दोस्त। हेलो गाइस। हेलो, कैसे हैं? भाई को शर्म आ रही है कैमरे के सामने आने पर, शर्मा रहे भाई। तो चलिए चलते हैं अब। तो गाइस, अभी हमारा प्लान हुआ है कि अभी हम जो पुरानी विंध्यवासिनी है उधर, मतलब मंदिर तक तो जा नहीं पाएंगे, तो मतलब एक व्यू पॉइंट उतने तक हम जाएंगे और वहां से आपको व्यू बताएंगे, और काफ़ी अच्छा व्यू है उधर से, चौक से है। तो चलिए चलते हैं और देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक। तो गाइस, अभी एक रोड है यहाँ से, तो ये जाता है नित्य कैफ़े और ये जाता है पुरानी विंध्यवासिनी। तो अभी हम इस तरफ जाएंगे और व्यू पॉइंट तक जाएंगे। अगर रोड ठीक होगा तो किस्मत के ऊपर डिपेंड है, अब रोड ठीक हुआ तो हम चले जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो वापस आना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अब। तो मुझे लगता है कि हम व्यू पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऊपर मौसम भी काफ़ी ख़राब है, आप देख सकते हैं, और रास्ता भी कहीं कहीं ख़राब हो चुका है, तो इसी वजह से हम शायद ही पहुंच पाएंगे। अब जितने तक हम पहुंच पाएंगे उतने तक आपको बताएंगे, फिर हमें वापस आना पड़ेगा क्योंकि ऊपर बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इसी वजह से, और रोड काफ़ी ख़राब है। सो गाइस, ऊपर की तरफ मौसम जो है ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो गया, ऊपर फॉग पड़ चुकी है। और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, वो ऊपर दिख रहा है आपको टॉप में भाई, उधर जाना था पर मौसम ख़राब हो गया और मुझे लगता है ऊपर बारिश पड़ी हुई है, तो इसी वजह से थोड़ा रोड भी ख़राब होगा। तो हमने डिसाइड किया है क्यों रिस्क लेना, फिर
इतने तक हम आपको थोड़ा सा व्यू बताते हैं इधर से, तो और थोड़ी देर बैठते हैं। काफ़ी नित्य कैफ़े काफ़ी फेमस कैफ़े है, तो आप भी आओगे तो चिल करना इधर से, और व्यू काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से। और बारिश चालू हो गई है और अभी मुझे लगता है कैंसिल तो हो ही गया है, और इसलिए तो अभी देखते वापस चल पड़ते हैं फिर नीचे की तरफ बैठते हैं। चलो बारिश क्योंकि ज़्यादा ही तेज़ हो गई अब। तो गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं क्योंकि बारिश अभी भी थोड़ी थोड़ी लग पड़ी है, आप देख रहे होंगे क्योंकि धूप भी है और बारिश। मैंने इससे बेटर है कि हम वापस आ गए और नित्या कैफे की साइड बताएंगे थोड़ा सा, मतलब पीछे से आपको बता देंगे। तो चलिए लोग अभी जिस लोकेशन में है वो नित्य कैफ़े को जो रोड जाता है पहाड़ों में, तो अभी नित्य कैफ़े हम जाएंगे नहीं और अभी हम खड के पास चलते हैं और वहाँ थोड़ा सा बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और निकलते हैं। सो गाइस अभी मेरा दोस्त बोल रहा है कि रहने दे नहीं जाना क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा हमें, तो आप इधर से देख लो खड, ये है जो न्यूगल खड है जिस पे बाढ़ आई थी वो ये खड है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा है और ऊपर की तरफ बादल आ चुके हैं और बारिश आने की संभावना है, तो अभी चलते हैं अभी हम। सो गाइस अगर आप नित्य कैफे आना चाहोगे तो पार्किंग लगाने की जगह ये है, तो इससे आगे जो नो एंट्री लिखा है तो इससे आगे जो है आप पार्किंग नहीं कर सकते, और देखो उधर लिखा है नो पार्किंग, तो जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा वहाँ, तो उधर जो भी मतलब नित्य कैफे जाने जाते हैं तो उधर उनकी एंट्री होती है, उसकी उसी के बाद उन्हें जाने देते हैं। तो अभी हम जाएंगे नहीं तो फिर चलते हैं घर की तरफ, और शर्मा रहा है भाई काफ़ी, तो भाई एक बार शक्ल तो दिखा दे अच्छी तरीके से एक बार तू देख लेगा तो फिर 100 बार देखेगा यार भाई बुरे हाल से शर्मा रहा है, बोला नहीं आना चाहूँगा मैं तो क्या ही कर सकते हैं, फिर चलते हैं अभी घर। सो गाइस अभी दोस्त को अपने को छोड़ते इसके घर, और अभी फिर इसको छोड़ के आपसे मिलता हूँ। अभी मैं घर में पहुँच गया हूँ और अपने दोस्त को भी छोड़ दिया उसके घर, और अभी मैं घर आया और मम्मी जो इसका नाम है हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इसे पकोड़े, और अभी हमारी मम्मी इसे बना रहे हैं और बहुत ही टेस्टी होता है ये, तो इसे वैसे लैंग्वेज में तो पत्रोड़े बोलते हैं, काफ़ी टेस्टी बनते हैं इसको तल के, और इसको अभी चूल्हे में रखेंगे तो फिर ये बन के तैयार हो जाएंगे। गाइस अभी इसमें तेल डाल रहे हैं और इसके बाद तल के तैयार हो जाएंगे। ड्रामा करना ये थी थे क्या बनना बनाना
श्री रंगना फिर मंडना फिर तां फिर ढाबना लुआच लंदे चोल लंदे ते ढा लंदे अच्छा तो अभी वो पकोड़े बन चुके हैं, तो आपको बताते हैं कैसे बने हैं। और यहाँ बन के तैयार हो चुके हैं, किस तरह से देख सकते हैं आप। तो इन्हें खाते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट है इनका। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, आप भी आओगे हमारे घर तो खाना। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा है आपको। और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।